यूपी के गाजियाबाद में जिले के सभी होमगार्डों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और धरने पर बैठने के दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर भेजा और कहा कि उनसे जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाए, नहीं तो उनका धरना और लंबा और मजबूत चल सकता है। गाजियाबाद जिलाधिकारी परिसर के बाहर मैदान में आज जिले के सभी होमगार्ड अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। होमगार्डों ने प्रधानमंत्री के नाम अपने खून से ज्ञापन लिखकर जिलाधिकारी को सौंपा। होमगार्डों ने मांग की है कि रोस्टर प्रक्रिया बंद कर उन्हें नियमित ड्यूटी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार न्यूनतम वेतन और सभी एरिया लागू कराए गए। जो होमगार्ड धरने के दौरान सस्पेंड किए गए उन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में हर राज्य में होमगार्ड सरकार द्वारा बनाए गए संविधान से शोषित है, पीड़ित है। होमगार्ड के जवान को मात्र 3 या 4 में ही रोजगार दिया जाता है। एक रोटेशन प्रक्रिया से इनको रोजगार दिया जाता है। इस रोटेशन प्रक्रिया से एक तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दूसरा हमारा जवान इस 4 माह के वेतन से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। इस कारण इसके परिवार की दयनीय स्थिति है। इसको देखते हुए हमने राजस्थान से रक्त क्रांति आंदोलन की शुरुआत की। हमने राजस्थान से 15,000 होमगार्ड जवानों ने भारत के प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर, हमारे खून से पत्र लिखकर हमने इच्छा मृत्यु की मांग। ये धरना दो हमने कुछ समय का दिया था ताकि हम अपनी मांगों को माननीय डीएम साहब द्वारा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को या पीएम साहब प्रधानमंत्री जी को अपना एक ज्ञापन दे सकें, वरना अगर हमारी बातें ना सुनी गई, ये जो है रक्त क्रांति गाजर शुरू हुई है, ये पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल जाएगी। और हमें मानना है कि चुनाव से पहले पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार के बारे में और हमारे बारे में जरूर कुछ सोचेंगे। अब देखना ये कि इन होमगार्डों की मांग सरकार कब तक पूरा करती, क्योंकि होमगार्डों के पास विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही सरकारों पर दबाव बनाने का मौका है। गाजियाबाद से राशि चौधरी के साथ बंसदी की रिपोर्ट।